गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म का फर्दर पार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिफेंस मैकेनिज्म में स्ट्रक्चरल और जो बायोकेमिकल जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है प्लांट में पैथोजन के अराइवल के पहले ही एग्जिस्ट होता है, वो पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, और पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में भी आज हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो देखेंगे। तो पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है स्ट्रक्चरल पार्ट में बेसिकली, कि अब क्या हुआ है, अब ना पैथोजन का अराइवल हो चुका है प्लांट में। अब प्लांट में जो प्री डिफेंस मैकेनिज्म्स थे तो पैथोजन ने उनको ब्रेक करते हुए अब वो फर्दर आगे बढ़ चुका है। तो पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में जो स्ट्रक्चरल डिफेंस है उसमें स्ट्रक्चरल जो बैरियर क्रिएट होता है, डेवलप करता है होस्ट का टिश्यू, और इससे क्या होता है कि जो होस्ट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शियस फॉर्म होने से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम ऑटोनोमस भी बोलते हैं, और ऑटोनोमस एंड पैरासाइटिक जो डिफेंस रिएक्शंस ऑकर होता है। ठीक है, उसमें डायनेमिक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं इसमें, और ये प्रिवेंट करता है फर्दर स्प्रेड होने का, जो पैथोजन है उसका फर्दर स्प्रेड होने से ये प्रिवेंट करता है होस्ट में इन्फेक्शन के बाद। और जब इन्फेक्शन आफ्टर इन्फेक्शन जो टिश्यूज है वो डिफ्रेंशिएट होती है, और वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट करती है, फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जो सेल सब्सटेंस है उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। और इसमें थ्रू दिस दे आर कंसिस्टिंग द लिग्निफाइंग जो सेल्स है उसको वो कंसिस्टेंटली वो कॉल करने लिग्निफाइंग फॉर्म होने लग जाता है, और कॉर्क लेयर वेयर डेवलप एट अ टाइम एंड द डेवलपमेंट ऑफ एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन ऑफ टैलसेस गम डिपोजिशंस दिस काइंड ऑफ फर्दर प्रोसेस हैज बीन कंसिस्ट आफ्टर दैट ना। और बेसिकली ये जो पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट में, दिस कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स, ये चार टाइप कंसिस्ट करता है। जो सबसे पहला है वो है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। हिस्टोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेशंस होते हैं कि जिसमें जो ये पैथोजन का जब अराइवल हो चुका है तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट एक तरीके से टेक प्लेस ले रहा है टिश्यू में जब पेनिट्रेशन हो चुका है, तो वहाँ पे अब उस चीज को हम फर्दर किस तरीके से डेवलपमेंट्स होते हैं वो आता है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस में। और फिर देन है सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चरल, कि जो सेलुलर मैकेनिज्म्स है सेलुलर फॉर्मेशंस हो रहा है वो देखेंगे हम कि सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चरल का फॉर्मेशंस। देन उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिफेंस, जो साइटोप्लाज्मिक डिफेंस किस तरीके से फॉर्म्ड होगा, एंड एट द लास्ट नेक्रोटिक और हाइपरसेंसिटिव डिफेंस। नेक्रोटिक और हाइपरसेंसिटिव डिफेंस ये लास्ट डिफेंस होता है मैकेनिज्म का स्ट्रक्चरल के फॉर्म में। देन इसके बाद फिर हमारा जो बायोकेमिकल फॉर्मेशन है फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक एक करके हम इन्हें आगे अभी फर्दर देखेंगे। तो सबसे पहले है हिस्टोलॉजिकल जो डिफेंस है। तो हिस्टोलॉजिकल डिफेंस में क्या होता है, यहाँ पे लिमिटिंग होती है कि जो स्प्रेड है पैथोजन का वो क्रिएट करता है एक बैरियर टाइप का। ठीक है, बैरियर क्रिएट करेगा और डेवलपमेंट ऑफ जो लिग्निफाइंग जो सेल्स है, कॉर्क की लेयर्स है, डेवलपमेंट ऑफ एब्सिशंस लेयर्स है, फॉर्मेशन ऑफ टैलोसिस गम डिपोजिशन this kind of barrier has been developed not get further penetration of the pathogen. So in this this whole consisting the whole is called histological defense. Okay, so one by one we will see here. You are saying this is the formation of sheath under the developing hyphae.
So here, what had happened? Here you can see this is the cell wall. Okay, this is the cell wall, and here the cell is there. Here, what had happened? The fungi has been penetrated into the cell, and they form the hyphae. You can see easily the hyphae has been formed, and through this. क्या होता है कि एपिसोरियम बनना चालू एपिसोरियम इन्होंने बना दिया एपिसोरियम बना दिया और इंसर्ट हो गया है वो पेनिट्रेट कर चुका है सेल में देन ये जो शीट है यहाँ पे इसमें फिर क्या होता है कि फर्दर आगे जब सेल्स वगैरह में क्या होता है कि फर्दर ये जो हाइपी है ये एडवांस हाइपी के फॉर्म में आगे और पेनिट्रेट करती जाती है और एडवांस हाइपी जो मेन हाइपी है उसके कंपेयर में काफ़ी थिन होती है सो दैट इट कैन इजीली फर्दर पेनिट्रेट ठीक है आगे अपने आपको स्प्रेड कर सके पेनिट्रेट कर सके और फिर ये हाइपी है ये देन इसके बाद क्या होती है ये धीरे धीरे आगे फर्दर सेल में बढ़ते बढ़ते ये साइटोप्लाज्म में भी चली जाती है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शीट है ना इसका फॉर्मेशन होने लग जाता है ये हाइफी के अराउंड में ताकि रोक सके एक प्रकार से ठीक है द लिग्निन बायोसिंथेसिस सो द लिग्निन बायोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है इफेक्टिव बैरियर हाइफिल पेनिट्रेशन के लिए तो जो लिग्निन है वो मिक्स करता है सर्टन होस्ट को बाय रेंडरिंग सेल वॉल्स एंड दैट रेस्ट्रिक्ट द डिफ्यूजन्स ऑफ एंजाइम्स और टॉक्सिन्स जो है उसके जो डिफ्यूजन को ये रेस्ट्रिक्ट करता है जो कि ऑलरेडी पैथोजन जो प्रोड्यूस करता है तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पैथोजन जैसे क्यूटिनेज एंजाइम को रिलीज करता है फॉर जो क्यूटिन है क्यूटिन के डिग्रेडेशन के लिए तो क्यूटिनेज एंजाइम रिलीज करता है फिर देन उसके बाद लिग्निन वगैरह लिग्निन को डिग्रेडेट करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट जो पैथोजेंस पैथोजन क्या करता है कि एंजाइम्स वगैरह को सिक्रेट करता रहता है और फिर देन उसके बाद टॉक्सिन्स केमिकल्स जो है वो भी सिक्रेट करता है ताकि इजीली जो हमारा प्लांट सेल है तो प्लांट सेल क्या हो जाए वो इजी तरीके से इतना स्मूथ उसका सरफेस हो जाए या रॉटिंग होनी मतलब जो लीव्स है तो लीव्स में वो इजीली पेनिट्रेट कर सके उसका सरफेस इतना स्मूथ बना देगा कि अपने आप को वो पेनिट्रेट करने में कोई हार्म ना होने पाए है ना तो इस तरीके से वो अपने आप को बाय डिफ्यूजन ऑफ एंजाइम्स और टॉक्सिन्स पैथोजन हेल्प करता है अपने आप को होस्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ठीक है फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो लिग्निन रेजिस्टेंस अगर लिग्निन रेजिस्टेंस हो गया है ठीक है तो होस्ट अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इनएक्टिवेशन हो जाता है जो फंगल मेम्ब्रेन है जैसे थ्रू फिनोलिक कंपाउंड्स के थ्रू होता है उसमें क्या हो जाएगा इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो अब इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आगे जो हाइफी के थ्रू अभी हमने देखा था जो हाइफी के थ्रू वो पेनिट्रेट करता है तो वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा अब जब वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा एपिसोरियम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा एपिसोरियम अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो हॉस्टोरिया नहीं डेवलप हो पाएगा न्यूट्रिशन टेकअप नहीं कर पाएगा अपटेक नहीं कर पाएगा न्यूट्रिशन पैथोजन प्लांट से है ना तो इस प्रकार से ये लिग्निन बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो इसमें क्या इसमें जो एग्जांपल्स है जैसे लिग्निफिकेशन जो सून है वो आफ्टर जो इन्फेक्शन शोज करता है रेजिस्टेंस होस्ट में जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ रेडिश में ठीक है तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ रेडिश जो कि कॉज बाय परमोस्पोरा पैरासिटिका तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो रेडिश है जो ये पैथोजन है परमोस्पोरा पैरासिटिका तो इससे कॉज होता है तो अगर आप लिग्निफिकेशन अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा लेते हो प्लांट में ऐसे रेजिस्टेंस आप कल्टीवार्स लेते हो तो इजीली जो ये पैथोजन है ये फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है प्लांट में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस और लीफ स्पॉट ऑफ रेडिश है ये सारे के सारे लिग्निफिकेशन के थ्रू ही अपने आप को लिग्निफिकेशन जो के थ्रू ही अपने आप को क्या कहते हैं इनका इनका वर्क इजी हो जाता है प्लांट में पेनिट्रेट करने का
a leaf spot of radish, that is Alternaria japonica. And Alternaria, what Alternaria will do, it formed the spots, formations has been there. It will produce a spots like structure in leaves, like yellow halo type ka structure formation karne lag jayega leaves mein, aur yellow halo type ka structure formation hone lag jayega leaves mein. Target board type ka wo uska symptoms hai ki target board type ka aapko symptoms appear dikhne lag jayega. Aur ye jo red type of potato, isme kya hoga, concentratory ring types ke ye formation hone lag jate hain red type of potato mein. Isme aap leaf ko easily identify kar sakte ho, symptoms appear hota hai jab. Then formation of corky layer. तो मैंने आपको बताया था कि development होता है, जैसे ही अब क्या हुआ कि pathogen ने जैसे ही penetrate कर दिया तो वहाँ पे ना different different kinds से development होने लग जाते हैं tissue में penetrations के बाद. तो उन्हीं उन्हीं जो development में ये एक layer है जिसमें उन्हीं इसमें यहाँ पे एक corky layer type की जो cork layer बोलते हैं जिसे वो developed होती है. तो कॉर्क लेयर में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ पैथोजेंस लाइक जैसे बैक्टीरिया, सम फंजाई एंड इवन सम वायरसेस, नेमाटोड, स्टिमुलेटेड होस्ट, ठीक है, ये फॉर्म करती है ना मल्टी लेयर कॉर्क सेल्स को, ठीक है, स्टिमुलेट करती है होस्ट को. तो फिर होस्ट क्या करता है, होस्ट फॉर्म करता है, एक मल्टी लेयर बना देता है कॉर्क सेल में और फॉर्मेशन करता है कॉर्क सेल में. और वहां पे क्या होता है कि अनेबल हो जाता है पैथोजन का वो क्रॉस करना, उसको क्रॉस करना और अपना स्प्रेड करना. और ये जो कॉर्क लेयर है ना, ये लिग्निफाइड होती है कुछ टाइम के बाद और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है होस्ट को बाय वर्किंग लाइक लिग्निन के जैसे वर्क करके एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. नाउ सी हियर इन ट्यूबर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्क लेयर इज देयर. ओके, दिस वन इज कॉर्क लेयर इन ट्यूबर, इट इज डेवलपिंग. Here you can see mycelium. So when this mycelium penetrate inside the cell, this cork layer is stopped like a barrier. Okay, it will stop them to further their spread. Okay, to stop them to go further. So एक तरीके से barrier create कर देता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते. Okay, cork layer. अब जैसे ये लीव्स दिख रहे हैं, ये लीव्स है तो लीव्स में ये कॉर्क लेयर इस तरीके से, यहाँ पे इतना तो इन्फेक्टेड हो गया लेकिन आगे का फर्दर जो हेल्दी सेल्स है उनको इन्फेक्ट नहीं होने देता है, कॉर्क लेयर फॉर्मेशन हो जाती है. तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे पैथोजेंस है बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ वायरसेस, नेमाटोड, ये ना स्टिमुलेट करते हैं जैसे ही होस्ट में, तो होस्ट क्या करते हैं मल्टी लेयर इस तरीके का कॉर्क लेयर ये फॉर्म कर देता है. और कॉर्क लेयर फॉर्म कर देता है सेल्स का किसके रिस्पॉन्स में, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में. ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे कि इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में ये कॉर्क लेयर इन्होंने बना दिया. अब ये जो डेवलप्ड होता है ना कॉर्क लेयर, तो इसमें क्या होता है स्टिमुलेशन होने लग जाता है होस्ट सेल का, कि होस्ट सेल का स्टिमुलेशन होने लग जाता है और होस्ट सेल क्या करता है स्टिमुलेशन करने लग जाता है और कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करने लग जाता है पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है. और यहाँ पे क्या होती है, ये जो लेयर है ना ये इनहिबिट करती है इसको, पैथोजन को इनहिबिट करती है कि ये फर्दर इन्वेजन ना कर पाए और ब्लॉक कर देती है एक तरीके से इसे, ये भी कह सकते हैं ब्लॉक कर देती है कि ये जो पैथोजन का जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, तो पैथोजन का जो टॉक्सिन सब्सटेंस सीक्रेट जो पैथोजन करता है ये फर्दर आगे दूसरे सेल्स में ना बढ़ पाए उस पे ये उसे ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकेज करने का भी काम करता है कॉर्क लेयर. और ये कॉर्क लेयर इवन दो सबसे महत्वपूर्ण रोल एक और प्ले करता है कि ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था ना इस पैथोजन को हेल्दी सेल से, जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलना चाहिए था, तो उस न्यूट्रिशंस को भी ये डिप्राइव कर देता है और उस न्यूट्रिशंस को डिप्राइव कर देता है पैथोजेंस. और क्या होता है कि ये इस तरीके से दो बहुत महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है कॉर्क लेयर. तो पहला क्या बताया मैंने आपको कि ये ब्लॉक कर देगा टॉक्सिन्स, जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं पैथोजेंस, तो इस टॉक्सिन्स को ये ब्लॉक कर देगा कि टॉक्सिन्स को आगे हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी सेल्स में ये फर्दर ना जा पाए ये टॉक्सिन्स वगैरह. और दूसरा क्या करेगा, इनका ये जो हेल्दी सेल्स है ना, इनका जो ये न्यूट्रिशन है ये ना ले पाए, न्यूट्रिशन इन तक ना जा पाए,
ठीक है, ये दो काम करता है, पहला पैथोजन का टॉक्सिन्स नहीं आने देगा हेल्दी सेल्स में, और दूसरा हेल्दी सेल्स का न्यूट्रिशन पैथोजन तक जाने नहीं देगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जो कॉर्क लेयर है बिटवीन इन्फेक्टेड और हेल्दी टिश्यूज के बीच में ये फॉर्मेशन करता है, ये हेल्दी टिश्यू है, हेल्दी टिश्यू और यही इन्फेक्टेड सेल, तो इसके बीच में बच जाता है कॉर्क लेयर। अब ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल राइजोपस रॉट है जो स्वीट पोटैटो में होता है, तो जो राइजोपस रॉट होता है स्वीट पोटैटो का कॉमन स्कैब जैसे बोलते हैं सेप्टोमाइसिस कैबेसिस ऑफ पोटैटो, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्क लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये है ट्यूबर, ये है ट्यूबर का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और ये है लीफ। तो यहाँ पे जो ये पोटैटो का जो ये ट्यूबर होता है ना, तो इस ट्यूबर में क्या होता है ये कॉर्क लेयर बन गई, फॉर्मेशन हो गया कॉर्क लेयर का। एज ए रिजल्ट के तौर पर इसे देखा जाएगा कि जो इन्फेक्शन है जैसे जो सॉफ्टनिंग होनी थी, ठीक है मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम पैथोजन क्या करता है एंजाइम सीक्रेट करता है, तो एंजाइम सीक्रेट करने से क्या हो जाता है कि जो लेयर होती है ना वो सॉफ्ट होने लग जाती है। अब जब लेयर सॉफ्टनिंग होगी तो पैथोजन के लिए तो इजी हो जाएगा ना, तो पेनिट्रेट करना है, पेनिट्रेट करने के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉफ्ट लेयर है ना, क्योंकि ये तो कॉर्क लेयर हो गई डेवलप, कॉर्क लेयर सॉफ्ट लेयर डेवलप ही नहीं करने देता पैथोजन, ठीक है। और जो सॉफ्ट रॉट है जैसे कि राइजोपस स्पीसीज करता है ना पैथोजन में, तो ये पोटैटो ट्यूबर का डिजीज मतलब कॉज बाय होता है जो कि राइजोक्रोनिया स्पीसीज वगैरह जैसे स्कैब ऑफ पोटैटो को स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है स्कैबिस वो फॉर्म करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नेक्रोटिक लीजन्स अपीयर होने लग जाता है, ठीक है सॉरी ये मतलब रॉटिंग सॉफ्ट रॉटिंग अपीयर होने लग जाता है। और जो नेक्रोटिक लीजन्स है तो लीव्स में क्या होता है कि लीव्स में नेक्रोटिक लीजन्स अपीयर होने लग जाता है, जैसे कि टोबैको है ना, तो टोबैको में क्या होता है जब टोबैको में जो मैंने आपको वायरसेस जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था टोबैको मोजैक वायरसेस के बारे में बताया था, तो टोबैको मोजैक वायरस क्या करता है नेक्रोटिक लीजन्स फॉर्म कर देता है लीव्स पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है नेक्रोटिक, जैसे ये नेक्रोटिक लीजन्स फॉर्मेशन हो गया तो उस केस में क्या होता है ये कॉर्कलेयर एक कॉर्कलेयर का फॉर्मेशन होने लग जाता है और ये फर्दर पैथोजन को रोकता है आगे बढ़ने से, ओके। तो इस तरीके से कॉकलेयर का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉकलेयर। फिर नेक्स्ट वन है रोल ऑफ एब्सिशंस लेयर, तो जो एब्सिशंस लेयर है तो उसका उसका क्या रोल होता है कि मतलब जो एब्सिशंस लेयर से जो लेयर है वो सेपरेट करती है, ये क्या होता है राइप फ्रूट और जो ओल्डर लीव्स है फ्रॉम प्लांट्स में, ठीक है ये सेपरेट करती है रोल इसका जो एब्सिस्टेंस लेयर का। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है ऑब्वियसली ये जो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तो इसमें ये सेपरेट होता है इन्फेक्टेड टिश्यू से हेल्दी टिश्यू को सेपरेट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये एब्सिस्टेंस लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये जो ये इन्फेक्टेड वो है क्या है ये इन्फेक्टेड सेल्स है ये हेल्दी सेल है और यहाँ पे क्या हो गया एब्सिशन लेयर बन गई है, ठीक है ये एब्सिशन लेयर बन गई है। तो अब ये एब्सिशन लेयर बन गई है तो इसमें क्या हो गया कि एब्सिशन लेयर के वजह से ये फर्दर इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो एब्सिशन लेयर ये यूजुअली फॉर्म होता है सेपरेट करता है राइप फ्रूट को ओल्डर लीव से प्लांट के, और जैसे कि कुछ स्टोन फ्रूट्स है ट्रीज है तो इसमें क्या होता है कि ये जो लेयर्स है ये डेवलप होती है यंग लीव्स में और ये रिस्पॉन्स करती है इन्फेक्शंस बाय सेवरल जो बहुत सारे फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस इसमें, और जो ये एब्सिशंस लेयर है ना ये गैप को फॉर्म करती है बिटवीन टू सर्कुलर लेयर्स के बीच में, जो सेल्स का दो सर्कुलर लेयर्स है जो सराउंड जैसे जो दो सर्कुलर लेयर को जो सराउंडिंग करता है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन से, तो वहाँ पे ये एक गैप फॉर्म करती है और ये गैप क्रिएट करती है डिसोल्यूशंस करती है एक या एक से ज़्यादा लेयर का,
ठीक है, कहाँ पे, मिडल लैमिना में, जो मिडल लैमिना है वहां पे ये एक या एक से ज्यादा लेयर्स का डिसोल्यूशन करती है, और साथ ही साथ ये एक दो जो लेयर है सेल्स की उसके सराउंड में ये क्या करती है कि इन्फेक्ट कर देती, जो लोकलाई है ना, जो ये आप देख रहे हो जो पैथोजन इन्फेक्टेड किया है, इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका इसका जो आगे मतलब जो इसको ना एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसको अनसपोर्ट कर देती है, जो एब्सेसेंस लेयर है इसको अनसपोर्ट कर देती है इनको, और पैथोजन को एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता, पैथोजन को एक तरीके से फर्दर सपोर्टेड मतलब जो हेल्दी लेयर लीव्स है, टिश्यूज है ना, उनको ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट करती है कि पैथोजन का अटैक ना हो पाए, पैथोजन का अटैक ना हो पाए, इस वजह से ये उनको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से एब्सेसेंस लेयर का एब्सेसेंस लेयर हेल्प करती है पैथोजन को। और यहाँ पे क्या होता है कि जो लीफ स्पॉट है डिजीज, सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट किसमें आता है, ग्राउंडनट पे, ठीक है, लीफ स्पॉट जो डिजीज है सर्कोस्पोरा की ग्राउंडनट पे, अल्टरनेरिया की, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है पोटैटो में, अल्टरनेरिया का अपियरेंस होता है जिसमें मैंने आपको बताया था येलो हेलो शूट होल टाइप का अपियरेंस होता है, ये डेवलपमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को, है ना, इस तरीके से। और बेसिकली ये एब्सेसेंस लेयर में क्या होता है कि यूजुअली ये फॉर्म्ड होता है, ये सेपरेट करता है राइप फ्रूट को, ओल्ड जो लीव्स है ना प्लांट से, वहां पे, ठीक है, वहां पे करता है ये, इसका बेसिक है। अब आता है नेक्स्ट वन, टाइलोसिस। तो जो टाइलोसिस है ये क्या करता है, ये होता है, ये आउटर ग्रोथ होता है प्रोटोप्लास्ट का। तो टाइलोसिस एक आउटर ग्रोथ है प्रोटोप्लास्ट का, ये एडजेसेंट होता है जो लाइफ पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह होते हैं, ज़ाइलम स्पेसल्स होता है, तो इनका ये इनसे ये एडजेसेंट होता है। और एक तरीके से जैसे स्ट्रेस वगैरह में अगर प्लांट रहता है तो ये एकदम से रिस्पॉन्स करता है, जैसे ही प्लांट स्ट्रेस में आता है तो ये रिस्पॉन्स करना चालू कर देता है। ये क्या करता है कि अटैक कर जो वेस्कुलर पैथोजेंस जब अटैक करते हैं तब ये स्ट्रेस में आके एकदम से रिस्पॉन्स करना चालू कर देता है। तो रिस्पॉन्स में क्या करता है ये, बेसिकली ये ना एक तरीके से डेवलपमेंट कर देता है, ये डेवलपमेंट करता है। और इनके डेवलपमेंट में क्या होता है, टाइलोसिस के डेवलपमेंट में ये जो ज़ाइलम वेसल्स होती है और ज़ाइलम वेसल्स वगैरह है तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, क्योंकि जो वेस्कुलर पैथोजेंस होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट वो एक्ट करते हैं जिसपे जो ये है जो वेस्कुलर पैथोजेंस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़ाइलम्स वगैरह में वो अफेक्ट करते हैं, तो ये फर्दर ज़ाइलम्स ज़ाइलम को ही ये ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है, और इसका जो फॉलोइंग मतलब ज़ाइलम वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है, और जो फ्लो है वाटर का, और ये रिजल्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ बिल्ट और सिम्टम्स का, जो डेवलपमेंट है उसमें ये रेस्ट्रिक्शंस फॉर्म्ड करता है। अब जो टाइलोसिस है मैंने आपको बताया था ये ग्रोथ जो पैथोजेनिक है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करता है वेस्कुलर टिश्यू में, और जो टाइलोसिस है वो ऑल्सो ऑब्स्ट्रैक्ट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजेन को वेस्कुलर टिश्यू में भी, ठीक है। और सॉरी हाँ दो बार वही है लाइन फिर हाँ ये फॉर्म करता है प्रोड्यूशंस ऑफ सेल्स को, और जो वेस्कुलर जो वॉल्स है टू पिट्स ऑफ ज़ाइलम वेसल्स है, ये यू कैन सी हियर दिस इज द टाइलोसिस एंड दिस वन इज द डिजीज वेसल, ओके हियर यू सी इजीली दिस इज द डिजीज वेसल। सो हियर द टाइलोसिस क्रिएट एन ऑब्स्टेकल्स, ओके इट विल क्रिएट एन ऑब्स्टेकल्स टू द फर्दर फ्लो ऑफ दिस ज़ाइलम्स, इट विल ब्लॉक दिस ज़ाइलम वेसल बेसिकली, और अब फ्लो नहीं हो पाता है वाटर का, ज़ाइलम इज रिलेटेड विथ वाटर एंड इट विल नॉट रिजल्टिंग देयर द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स इज नॉट अपीयर,
So basically, this kind of thing has happened here. And example, the wilt of sweet potato caused by Fusarium oxysporum batatas. तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम बटाटस इसका मेन फेमस एग्जांपल है. इट वाज द विल्ट ऑफ स्वीट पोटैटो. एंड हियर इन द रेजिस्टेंस वैरायटी टैलोसस डेवलप क्विकली इन एबंडेंस इन द जाइलम वेसल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. और व्हाइल जो पैथोजन इज स्टिल इन द रूट. ओके कि रेजिस्टेंस वैरायटी में टैलोसस फॉर्मेशन हो जाता है, डेवलपमेंट उसका एकदम से वेसल्स में. और ये दिस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फंगस टू अपर पार्ट. तो अपर पार्ट में जो फंगस का स्प्रेड है ना, इसको वो रोक देता है. फंगस कैन नॉट बी पेनिट्रेट टैलोसिस. ओके तो ये फंगस भी टैलोसिस में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टैलोसिस, द फंगस इज नॉट पेनिट्रेट फर्दर. सो द टैलोसिस इज देयर. Now, the next one is gum abscess, gum deposition. Here, up now, the next one is gum deposition. तो gum deposition में क्या होता है कि जो cells है plant की, जो gum deposition होता है cells में, और gum deposition से क्या होता है कि basically प्लांट ना प्रोवाइड करता है बहुत सारा वैरायटी ऑफ गमी सब्सटेंस को. आप कह सकते हो कि प्लांट प्रोवाइड करता है. और सॉरी, तो जो गमी सब्सटेंस प्रोवाइड करता है प्लांट, ये किसके अराउंड जो लीजन्स वगैरह है, स्पॉट्स है, और जो इन्फेक्शंस है ना, उसके आसपास ये गमी सब्सटेंस वगैरह क्रिएट कर देता है. ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज में हम देखते हैं प्लांट की जहाँ पे गमी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. तो ये गमी सब्सटेंस क्या करता है, इनिबिट करता है, रोकता है प्रोग्रेस जो पैथोजन की हो रही है फर्दर, उसको ये रोक देता है. और ये जो गमी सब्सटेंस है, ये कॉमनली प्रोड्यूस होता है स्टोन फ्रूट्स में. ठीक है, तो स्टोन फ्रूट्स होते हैं ना, जो उसमें गमी सब्सटेंस बेसिकली प्रोड्यूस होता है. तो उस तरीके से, तो बेसिकली स्टोन फ्रूट्स क्या होते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं जो कि जिनमें ना सीड्स होते हैं, मतलब स्टोन फ्रूट में ना, जैसे ड्रूट्स वगैरह हो गया है ना, तो इनकी कैटेगरीज में आते हैं. जैसे एप्रिकॉट, पीच, प्लम, चेरी, ये सारे जो फ्रूट्स हैं, तो ये सारे के सारे फ्रूट्स स्टोन फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं. और कभी कभी मतलब स्टोन फ्रूट्स को हम एज अ सीड भी बोल सकते हैं, जो मतलब जो इनसाइड दी स्टोन होता है सीड. ठीक है, तो इस तरीके से. तो फिर ये जो गम फॉर्मेशन होता है, गम का डिपोजिशन होता है, तो ये कॉमनली स्टोन फ्रूट से हम देखते हैं. तो गम डिपोजिशन इन सेल्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ द डिजीज टिश्यू ऑफन सर्व एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर. अर्लियर आई टोल्ड यू इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर बाय क्रिएटिंग अराउंड द डिजीज टिश्यू. ओके, the gum deposition you will see. And in the resistance cultivar, what had happened here in resistance cultivar, you will see the mechanism of the barrier are not dissolved by the pathogen. So it is tough for pathogen to tackle this barrier to further penetrations. It is basically it is hard and tough कि पैथोजन टैकल नहीं कर पाता इस चीज को, इस मैकेनिकल बैरियर को. तो अभी इसे टैकल नहीं कर पाता, वो भी उनमें जिनमें रेजिस्टेंस जो कल्टीवार्स है. ओके, नॉट इन एवरी प्लांट, आई एम नॉट सेइंग इन एवरी प्लांट इट इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, बट इन रेजिस्टेंस कल्टीवार. सो दैट्स व्हाई वी यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कल्टीवार, बिकॉज इन दैट इन दोस कल्टीवार्स द different different kinds of these chemicals or these barriers, structural barriers, these things has been effective for controlling, for not controlling, for managing the pathogen, for the management. Okay, to manage these pathogens. Here you can see this is the gum deposition.
this will create a gum barrier around the, this is the mycelium covering the vessels, okay, and this is the xylem vessel. You are easily see कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि गम लेयर पैथोजन क्रिएट कर देता है एज अ गम बैरियर के कोर पे, तो जो इन्फेक्टेड सेल है उसके आसपास ही पैथोजन क्रिएट करता है और प्लांट की कुछ वैरायटीज ये प्रोड्यूस करती है इस सब्सटेंस को. तो ये जो लीजन्स वगैरह है, स्पॉट्स वगैरह है, फॉर्मेशन हो गया है किसका, सिम्टम्स का, लीजन्स स्पॉट्स वगैरह बन गया. तो जब लीजन्स और स्पॉट्स बनता है तो उसी के आसपास ये गमी लाइक जो सब्सटेंस है वो क्रिएट हो जाती है. और ये गमी लाइक सब्सटेंस ही है जो जो कि इनिबिट करती है कि पैथोजन का जो प्रोग्रेस है उसे ये इनिबिट कर देती है और पैथोजन की प्रोग्रेस को इनिबिट करती है. एंड द गमी सब्सटेंस इज कॉमनली प्रोड्यूस इन स्टोन फ्रूट. ओके, स्टोन फ्रूट में इजीली आपको प्रोड्यूस होते हुए दिख जाएगी. सो दिस इज, so we have completed our histological defense mechanism. So now the second one in post defense mechanism structural में अब हम cellular level देखेंगे. हमने अभी पहले सबसे पहले histological देखा, अब हम cellular देखेंगे. तो cellular में carbohydrate apposition से, तो यहाँ पे ये होता है in this type the defense includes different changes occurs in the host cells, जैसे कि walls such as इसमें वॉल में कैलस डिपोजिशन होने लग जाती है सेल वॉल में, विसिनिटी ऑफ द पेनिट्रेटिंग हाइफी, जो हाइफा है उसको पेनिट्रेट कर कैलस की फॉर्मेशन करता है. और सेल के प्लांट के जो सेल वॉल है वहाँ पर डिपॉजिट करता है, तो ये विसिनिटी क्रिएट करती है पेनिट्रेट करने के लिए हाइफा को. अब यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस होस्ट है वो रिस्पॉन्स करता है बाय सिंथेसाइजिंग न्यू कार्बोहाइड्रेट. ओके, पर्टिकुलरली कैलोसिस एंड सेलुलोसिस. तो हमने देखा था कि कुछ कुछ जो मतलब बेसिकली जो पैथोजन है वो इजीली टैकल कर पाते हैं कि जो लेयर्स क्यूटीन वगैरह है और जो लेयर है सेल वॉल सेल की जो आउटर सेल वॉल को डिपोजिशन करने के लिए उनके पास एंजाइम्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं. तो इस तरीके से पैथोजन अपने आप को इन इन जो इन स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिग्रेड कर देता है इजीली प्लांट में जो प्रेजेंट है ऑलरेडी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस करती वाला है वो नए कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती है जो कि सिंथेसाइज करने में मतलब जो कि हेल्पफुल होती है पर्टिकुलरली सेलुलोज और कैलोसिस का फॉर्मेशन करने में. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सजेस्ट करती है, ये इसमें क्या होता है कि एक तरीके का ना इफेक्टिव बैरियर क्रिएट कर देती है पैथोजन के अगेंस्ट में. और सिंथेसाइज होता है यहाँ पे नए कार्बोहाइड्रेट का सेलुलोज और कैलोसिस से और डिपोजिशन होता है सेल वॉल में. ओके, सो इन द रेजिस्टेंस कल्टीवार द होस्ट वेयर थिकन. ओके, एंड द सेकेंडरी वॉल और जो पेपिलाई है वो तो कॉमन है. ओके, इन होस्ट द थिकनिंग ऑफ द सेकेंडरी वॉल एंड द पेपिलाई आर कॉमन. सो इन पोटैटो क्रॉप्स विद इन पोटैटो क्रॉप द वॉल आर अपोजिशंस इन poorly development and susceptible varieties of pathogen, just like susceptible varieties are is it will create means जो susceptible varieties है potato की तो ये नहीं develop कर पाती है. ठीक है, इस wall को. और जैसे कि against phytophthora infestans late type of potato disease, तो ये ट्यूबर क्रॉप में अफेक्ट करने वाला जो पैथोजेंस है, तो इसमें आपको अगर जब रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पैथोजन थिकनिंग नहीं कर रही अपने सेकेंडरी सेल वॉल को पैपुलाई को, तो ऑब्वियसली बात है कि पैथोजन इन्फेस्ट तो करेगा ही. तो इस तरीके से आपको ससेप्टेबल वैरायटी में पैथोजन इन्फेस्टांस का डेवलपमेंट ईजी तरीके से देखने के लिए मिल जाता है. लेकिन अगर वही रेजिस्टेंस वैरायटी है और वो वैरायटी जिनमें कि जो थिकनिंग हो रखी है बाय न्यू फॉर्मेशंस जो
कार्बोहाइड्रेट का है उसके थ्रू, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नया सिंथेसाइज हो रहा है और वो हेल्पफुल करता है कैलोसिस और सेलुलोसिस को फॉर्मेशन में, तो वहाँ पे आपको इस पैथोजन का इन्फेस्टेशन नहीं दिखता है, पैथोजन नहीं कर पाता है उतनी। अब नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो जो स्ट्रक्चरल, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था, अब हम स्ट्रक्चरल देखेंगे प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एसोसिएट होता है फॉर्मेशन ऑफ लिग्निन कॉम्प्लेक्स टाइलोसिस का फॉर्मेशन से। इनके फॉर्मेशन में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये एसोसिएट है इनके साथ। मैंने आपको टाइलोसिस और लिग्निन के बारे में स्टार्टिंग में अभी बताया हिस्टोलॉजिकल में कि इनका इनके स्ट्रक्चर से प्लांट के सेल को एक तरीके से बेनिफिट होता है किस तरीके से। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है फर्दर, जैसे जेल फॉर्मेशन होता है, तो जेल फॉर्मेशन क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एसिड हाइड्रोलाइसिस के केस में। लिग्निन कॉम्प्लेक्स है जो फॉर्म्ड होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन में और दैट इज मच मोर रेजिस्टेंस टू एसिड हाइड्रोलाइसिस। ओके, एसिड हाइड्रोलाइसिस के अगेंस्ट में काफी रेजिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट वन है साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन। तो स्ट्रक्चरल जो ऑब्स्ट्रक्शंस है डेवलपमेंट होता है साइटोप्लाज्मा में एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द इन्फेक्शंस। Here the cytoplasmic defense reactions it localize even though eliminate especially slow growing or ये क्या कहते हैं weak parasite slow growing weak parasites को usually causing chronic diseases form करता है। तो इस प्रकार से chronic diseases occur करते हैं। अब जो साइटोप्लाज्मिक डिफेंस है इनका जो फर्दर फॉर्मेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है एक और चीज है जो साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन है, ये थर्ड वन है, ठीक है। मैंने आपको चार बताए हैं टोटल जो डिफेंस पोस्ट डिफेंस में मैंने आपको बताया था। पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में जो स्ट्रक्चरल में पहले आपको हिस्टोलॉजिकल बताया मैंने, फिर देन आपको सेलुलर बताया, अब नेक्स्ट वन ये साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन और उसके बाद आएगा फिर हाइपर सेंसिटिव। तो साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन में यही था कि लोकलाइज करता है एलिमिनेट करता है स्पेशली स्लो ग्रोइंग और वीक पैरासाइट को यूजुअली, और ये जो यूजुअली जो कॉज करते हैं क्रॉनिक डिजीज को उनके अगेंस्ट ये साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन क्रिएट करता है। ओके, अब नेक्स्ट वन है नेक्रोटिक और हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। तो जो नेक्रोटिक रिएक्शंस है ये बोथ स्ट्रक्चरल होता है और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल। तो स्ट्रक्चरल होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है ये, ठीक है, दोनों तरीके से होता है। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और पैथोजेंस हैं जो इनके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं होस्ट सेल वॉल के, और इसके होस्ट सेल वॉल्स के सेल्स के शो करता है ब्राउन ग्रैनुलर सेल्स को सेल वॉल में और स्मेल्स ऑफ एंड अल्टीमेटली, ठीक है। तो जैसे ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट है, अब प्लांट क्या करता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में डिफरेंट मतलब यहाँ पे ना नेक्रोसिस होने लग गई है। ओके, तो यहाँ पे अब ये नेक्रोसिस हो गई है, मतलब ये नेक्रोसिस हो गई हाइपर सेंसिटिव ये सेल्स है, ये हेल्दी प्लांट्स वगैरह थे, ये लीव्स है हेल्दी प्लांट्स के, और यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव फॉर्मेशन कर दिया है सेल ने खुद का ही, ठीक है। यहाँ पे ये पैथोजन आया, एपिसोरिया बनाया, ऑस्टोरियम बनाया, इंसर्ट हो गया है सेल के अंदर, ये एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये ना जो हाइपर सेंसिटिव है ना, ये एक तरीके का ना डिफेंस मैकेनिज्म है जो कुछ
एडॉप्टेड किया गया है कुछ मतलब जो पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है, जैसे जैसे सिंक्राइटियम एंडोबायोटिकम है, मैंने आपको बताया था कॉजिंग जो कॉज करता है बॉड डिजीज ऑफ पोटैटो फाइटोक्टो पोटैटो का, और जैसे लेट ब्लाइट जो डिजीज कॉज करता है वो फाइटोक्टोरा इंटेस्टांस हो गया, और पैरिक्लेरिया और राइजी वगैरह जो ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस है, ठीक है, तो उसमें तो अब इन सच ऐसे सच जो इस तरीके की जो डिजीज वगैरह होती है ना, तो उन डिजीज में क्या होता है कि जो होस्ट है होस्ट का जो न्यूक्लियस है वो मूव करता है पैथोजन की तरफ, ठीक है, और जैसे ही पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये प्रोटोप्लाज्म जो होस्ट का होता है वो कांटेक्ट करता है वो, ठीक है, मतलब जो ये होस्ट का न्यूक्लियस है वो मूव करेगा पैथोजन की तरफ, और उसके बाद वो कांटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म जो होस्ट है उसके साथ पैथोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना उसके बाद ना डिसइंटीग्रेट करने लग जाता है, ब्राउन ग्रैन्यूल्स, मैंने अभी आपको बताया था ब्राउन ग्रैन्यूल्स में ये डिसइंटीग्रेट करने लग जाता है, जो कि पहला एक्यूमुलेटिंग अराउंड जो ये पैथोजन के अराउंड के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे वो जो साइटोप्लाज्मिक एरिया वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल का जो मेम्ब्रेन है ना वो फूलने लग जाता है, और फूलता है और वो फाइनली ना फूल के क्या हो जाता है एकदम कहते हैं जैसे हम बलून को फुलाते हैं और उसके बाद कैसे ब्रस्ट हो जाता है, एकदम ज़्यादा फुलाओ तो ब्रस्ट हो जाता है, वैसे ही जो सेल है ना वो ब्रस्ट हो जाता है, और उसके बाद ब्रस्ट होने के बाद क्या हो जाता है वो डाई हो जाता है, मर जाता है, वो अब मर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि जो पैथोजन है ना और पैथोजन का जो न्यूक्लियस है वो क्या होने लग गया, वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया, और डिसइंटीग्रेट होने लग गया किसमें, होमोजीनस जो मासेस है उसमें, और उससे जैसे ये क्योंकि ये तो ब्रस्ट हो गया है ना, तो फिर इससे फिर इस वजह से क्या होता है कि जो पैथोजन है वो ना एक तरीके से फेल हो जाता है कि वो आगे ग्रो करने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोटिक और डेड सेल हो गए हैं। अब यहाँ पे नेक्रोटिक और डेड सेल हो चुके हैं तो अब वो कैसे आगे पेनिट्रेट कर पाएगा, क्योंकि उसको तो फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन वगैरह की तो जरूरत है। अब न्यूट्रिशन वगैरह नहीं, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये प्लांट मतलब पैथोजन ने पेनिट्रेट कर लिया, अब ये फर्दर पेनिट्रेट करेगा, फर्दर पेनिट्रेट करेगा, जैसे ही पेनिट्रेट करेगा ये इससे प्लांट में क्या किया, हाइपरसेंसिटिव सेल फॉर्मेशन कर दिया, अब ये डायरेक्टली अब क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो गया है और फाइनली ये डाई भी हो चुका है। तो अब ये डाई हो चुका है तो अब ये प्लांट का जो ग्रोथ है उसको तो एक तरीके से रोक ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो आप आगे कैसे मूव ऑन करोगे, प्लांट नीड अ न्यूट्रिशन फॉर देयर मूवमेंट फॉर देयर ग्रोथ, सो हियर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नॉट ऑकरिंग, एंड बेसिकली जो हाइपरसेंसिटिव रिस्पॉन्स है वो रिप्रेजेंट करता है एक फाइनल स्टेज को, जो कि एक रैपिड डिफेंस रिस्पॉन्स होता है, और ये रैपिड डिफेंस रिस्पॉन्स क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है एक रैपिड लोकलाइज सेल और टिश्यू के अराउंड में, और ये रैपिड लोकलाइज सेल और टिश्यू के अराउंड में क्रिएट करता है, और वहाँ पे जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कुछ पैथोजेंस वगैरह है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी वो रेजिस्टेंस होते हैं, चाहे हाइपरसेंसिटिव का कोर्स हो या ना हो, है ना, तो हाइपरसेंसिटिव क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करता है, और ये एक स्पेसिफिक एक तरीके से आप कह सकते हो ये स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन होता है जिसके बीच में प्लांट के और पैथोजन के बीच में, प्लांट और पैथोजन के बीच में स्पेसिफिक टाइप का रिकॉग्नाइजेशन होता है, और यहाँ इस तरीके से हुआ,
अब यहाँ पे पैथोजन क्या होता है, पैथोजन अपने आप को कंफर्म कर लेता है कि चलो यहाँ पे नेकोटिक लेजन्स फॉर्म हो गया है नियर दी साइट ऑफ इन्फेक्शन के। अब यहाँ पे आसपास में क्या होता है कि सेल्स है वो नेक्रोटिक जो लेजन्स है तो वहाँ पे नेक्रोटिक लेजन्स में वो हाईली रिएक्टिंग करता है इनिशियली सिंथेसाइजेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स को और सिग्नल मॉलिक्यूल्स को इनिशिएट करता है और जस्ट लाइक सिलिसिलिक एसिड वगैरह है उनको और वो इंड्यूस करता है वो स्पेसिफिक जैसे सिस्टेमिक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था अगेंस्ट किसके सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन में। तो जो हाइपरसेंसिटिव है वो एक हाइपरसेंसिटिव यू कैन से कि बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ओके इट इज अ काइंड ऑफ कि सिमिलर है कि डाटा फाउंड इन एनिमल सिस्टम्स में जैसा मिलता है आपको देखने के उसी इसी जैसा है जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है बोथ इन प्लांट एंड एनिमल जो कि इंटीग्रेट करती है स्ट्रेस सिग्नल को और स्ट्रेस सिग्नल को इंटीग्रेट करती है और इनिशिएट करती है कि डेथ को जो डेड एक्टिशंस को ठीक है इनिशिएट करती है। और यहाँ पे फंक्शंस क्या होता है कि स्टोर हाउस का जैसे की और सेल डेट जो सिग्नलिंग करेगा प्रोटीन एंड इट कीप्स द फिजिकल फॉर्मेशंस इट विल टारगेट अंटिल की सर्टन जो सेलुलर थ्रेशोल्ड्स है वो डिफेंस स्ट्रेंथ सिग्नल तक जब तक ये ना पहुँचे ठीक है रीच ना करे पहुँचे ना तो तब तक के वो टारगेट करता है। तो इस प्रकार से जो हाइपरसेंसिटिव जो रिएक्शंस हाइपरसेंसिटिव होता है प्लांट के द्वारा ये ऑकर होता है पैथोजन ये प्लांट के द्वारा ये फॉर्म्ड होता है हाइपरसेंसिटिव सेल्स ठीक है कि अपने अपना खुद का ही सेल्स को किल कर देता है अपने खुद के ही सेल्स को अपना प्रोग्राम कर देता है सेल डेथ का प्लांट ताकि पैथोजन को आगे कुछ मिले ही ना पैथोजन को जो न्यूट्रिशंस वगैरह क्योंकि न्यूट्रिशंस पैथोजन को सेल्स ही मिलेंगे अब वही सेल्स को नहीं मतलब लाइफ सेल ही नहीं मिलेगा तो लाइफ सेल नहीं मिलेगा उसे और प्लस काफ़ी सेल्स मतलब इस तरीके से कहते हैं बेसिकली ना जो प्लांट होता है वो अपने ही खुद के सेल्स को डेथ करके वो बाकियों को बचाता है कि जैसे होता है ना कि अगर 100 सेल है जैसे समझ लो कहीं एक किला है ओके तो एक किला है और किले में एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं ठीक है फोर्ट होते हैं फोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स होते हैं तो हर वॉल्स मजबूती से बना हुआ होता है। तो कुछ ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो एनिमी है अगर वो स्ट्रांग है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आसपास के दो तीन मतलब होता है ना कि अब दो तीन उनको इजीली इस तरीके से मतलब एनिमी को आप अंदर पेनिट्रेट करने दे देते हो देती नहीं हो मतलब वो खुद कर लेता है पेनिट्रेट अंदर लेकिन पेनिट्रेट कर लेगा तो ऐसा एनिमी जिसको न्यूट्रिशन जैसा ही वो पेनिट्रेट करे उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है कि वो विदाउट न्यूट्रिशन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और आप उसी के आसपास का पूरा एरिया ही डेथ कर दे रहे हो आप उसको उसको लाइफ देने के लिए कुछ भी ना न्यूट्रिशन ना वाटर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो तो वो आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। और अगर 100 में से अगर आप 4-5 सेल को अगर आप डेथ करते हो और वहीं आप 95 सेल बचाते हो प्लांट का तो डेट वॉज इफेक्ट डेट वॉज फ्रूटफुल कि अगर पूरा 100 के 100 डैमेज होने से बढ़िया है कि 5 अगर डैमेज भी हो रहा है हाइपरसेंसिटिव सेल ये ही तरीका करती है प्लांट्स अपने आप को कि बाकियों को बचा लेती है और जो जो पैथोजन का आसपास का ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी कोई भी हाइपरसेंसिटिव होने लग जाएगा सेल ऐसा नहीं होता है वो तभी होता है जब वो रिकॉग्नाइज करता है कि भाई पैथोजन पावरफुल है और आ चुका है
ठीक है पेनिट्रेट कर चुका है वो प्लांट में और उसने डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स को उसने डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्स्टेकल्स है उसको उसने क्या किया जो बैरियर्स जितने भी थे उनको वो डिग्रेड करते हुए चला गया, आगे बढ़ते हुए चला गया और काफी आगे आ चुका है। तो अब मेरे पास एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं हाइपर सेंसिटिव सेल्स फॉर्म करूँ और हाइपर सेंसिटिव सेल्स फॉर्म करूँ तो उसमें क्या होता है वो खुद ही प्लांट ही इसे पैथोजन ने कुछ नहीं किया हाइपर सेंसिटिव सेल को फॉर्म करने में, पैथोजन ने बस इतना किया कि उसने एक तरीके से पैथोजन ने मतलब प्लांट्स में एक तरीके से सिग्नल्स प्लांट्स को मिल गया है कि अब मेरे पास यही है कि मैं अपने कुछ हथियार को डाल दूँ एक तरीके से ताकि दुश्मन को लगे जो सामने का जो पैथोजन है उसे मैं अपने और सेल्स को बचाऊँ और लोगों को और उसको सेल्स को बचा के मेरे को अपने ये कुछ आसपास के पैथोजन्स के आसपास के सेल को इस तरीके से अपने सेल्स को प्रोग्राम करना होगा कि वो सेल डेथ करने होंगे मुझे, है ना। तो ये तरीका होता है पैथोजन का प्लांट का अपने आप को बचाना पैथोजन कंपेयर में और वहाँ पे वो क्रिएट करता है हाइपर सेंसिटिव सेल्स। ओके सो इस प्रकार से हमारा हाइपर सेंसिटिव जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जो चार पढ़े थे उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जो चार जो पोस्ट हार्वेस्ट सॉरी जो पोस्ट मैकेनिज्म है पैथोजन का तो वो हमने देखा है पोस्ट मैकेनिज्म वो भी स्ट्रक्चरल के थ्रू। तो उसमें हमने हिस्टोलॉजिकल डिफेंस देख लिया है, सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चरल देखा, हिस्टोलॉजिकल में हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स देखे, देन उसके बाद हमने सेलुलर डिफेंस देखा। देन उसके बाद हमने साइटोप्लाज्मिक डिफेंस फिर नेक्रोटिक और हाइपरसेंसिटिव हमने देखा एट द लास्ट और हिस्टोलॉजिकल ठीक है कॉर्क वगैरह डेवलपमेंट होना और हाइफन ये लेयर का फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ शीट का फॉर्मेशन होना डेवलपिंग हाइकी का इस तरीके से और लिविंग बायोसिंथेसाइजेस हो जाना। देन एग्जाम्पल्स हमें देखे कि लिग्निफिकेशन में कि अगर आप रेजिस्टेंस कल्टीवार लेते हो तो इन पैथोजेंस के अगेंस्ट आपका इफेक्टिव रहेगा, ये पैथोजन बेसिकली लिग्निफिकेशन में ही काफ़ी इफेक्ट होगा, अगर आपका लिग्निफिकेशन ही किसी रेजिस्टेंस कल्टीवार में इफेक्टिव है तो ये पैथोजन आप रेजिस्टेंस कल्टीवार में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, मतलब इन्फेक्शन तो नहीं कॉज तो नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि अफेक्ट नहीं कर पाएगा पैथोजन को, स्टॉप हो जाएगी इसकी ग्रोथ वगैरह। और क्लियर फॉर्मेशन वगैरह हमने देखा कि कॉर्कलियर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और पैथोजन को रोकता है अनेबल करता है पैथोजन को कि उसका स्प्रेड वगैरह फॉर्म नहीं होने देता है। ट्यूबर में देखा था पोटैटो ट्यूबर में, लीव्स में देखा था हमने कॉर्कलियर और दो चीज इसके सबसे महत्वपूर्ण पढ़े थे हमने कि ये पहला चीज कि इन्फेक्टेड जो टिश्यूज हैं इन्फेक्टेड जो मतलब जो टॉक्सिन है ठीक है पैथोजन का जो टॉक्सिन है वो हेल्दी टिश्यू तक नहीं पहुंचने देगा कॉर्कलियर, ये पहला काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है कॉर्कलियर कि हेल्दी टिश्यू से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देगा, ये जो माइसिन में न्यूट्रिशन लेते ना से हेल्दी प्लांट्स तो ये न्यूट्रिशन लेने नहीं देगा। तो इस तरीके से ये दो चीज का दो चीज में हेल्प करता है। फिर हमने देखा राइजोबस रॉड जो स्वीट पोटैटो में होता है और दूसरा कॉमन स्कैब जो चक्रोमाइसिस कैबेसिस जो पोटैटो का है, ये दो चीज। और फिर जो रोल है एब्सेसेंस लेयर का वो देखा हमने, इसका एब्सेसेंस लेयर का रोल ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है पैथोजन के जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसके अगेंस्ट में, जैसे कि एग्जांपल सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो है फंगस और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है जो पोटैटो का, उसमें उनके डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। फिर हमने देखा टैलोसिस
टैलोसिस वगैरह हमने देखा। टैलोसिस में हमने ये देखा कि जो हेल्दी वेसल्स वगैरह है, टैलोसिस वगैरह को डिजीज, इसमें जो जाइलम्स वगैरह है, तो जाइलम में ये फर्दर जो इन्वेजन्स है ना, तो वो नहीं होने देता है। तो फर्दर जो इन्वेजन्स होता है जो वेस्कुलर सेल्स में, टैलोसिस फॉर्म नहीं करने देता है। जैसे कि गिल्ट ऑफ स्वीट पोटैटो है, फिजेरियम ऑर्गन्स फॉरम बटाटस कॉज्ड बाय बटाटस, फिजेरियम ऑर्गन्स फॉरम बटाटस गिल्ट है ये। और डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस कल्टीवार, ये एक्चुअली बेसिकली ना ये रूट में ही करता है, लेकिन जो अपर प्लांट पार्ट है ना उसमें आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देता है। टैलोसिस का जो फॉर्मेशन होता है ना अपर अपर प्लांट पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, और वहाँ पे जो फंगस का स्प्रेड होता है ना अपर के साइड में, अपर क्योंकि फंगस जो आगे क्या होता है ये बिल्ट है ना, तो फंगस क्या होता है कि रूट से फॉर्म होता है, तो रूट से फॉर्म होता है तो इनका स्प्रेड जो फंगस का अपर प्लांट पार्ट तक ये रोक देता है, नहीं वो होने देता है फॉर्म टैलोसिस। फिर गम डिपोजिशन हमने देखे कि किस तरीके से गम का डिपोजिशन होता है। गम डिपोजिशन एक तरीके से बैरियर क्रिएट करता है, जैसे नेटोसिस वगैरह हो गया है, तो जैसे माइसेडियम वगैरह फॉर्म किया है, उसके जो इन्फेक्टेड एरिया के पूरा आसपास एक गमी सब्सटेंस क्रिएट कर देता है, ताकि गमी सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगी तो एक तरीके से बैरियर क्रिएट हो जाएगा। बैरियर क्रिएट हो जाएगा पैथोजन के अगेंस्ट में, तो ये गमी सब्सटेंस फॉर्म करता है सेल। ओके, एक स्ट्रक्चरल हमने सेकेंड हिस्टोलॉजिकल ये पता, हमने स्ट्रक्चरल देखा था, स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बात की थी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देखा था हमने। और कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल हमने लिया था फैटोप्थेरा इंफेस्टांस का, जो पोटैटो में कॉज करता है लेड ब्लाइट पोटैटो। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमने देखा, थर्ड वन नहीं सॉरी सेकेंड, इसी में स्ट्रक्चरल सेलुलर में हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखा, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल प्रोटीन। थर्ड वन है साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शंस हमने देखा, और साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस हमने देखे, और एट द लास्ट हमने नेक्रोट्रॉपिक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस देखा। और नेक्रोट्रॉपिक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में हमने ये देखा सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रक्चरल भी है फिजियोलॉजिकल भी, ये नेक्रोटिक क्रिएट होता है। फिर यहाँ पे जो कॉज होगा